अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यमे वाजिद, 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सऊदी हुकूमत ने ख्वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देते हुए हंगामा मचा दिया था और अब हुकूमत ख्वातीन को ट्रैफिक कवायद में नरमी लाते हुए जेल से बाज़ उमूर पर इस्तेस्ना देने की बात कर रही है। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल आमिर की सऊदी अरब से ये ख़ास रिपोर्ट। सऊदी अरब में इन दिनों हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं। सऊदीआइजेशन लागू होने के बाद गैर मुल्की तारिकीन वतन को वापस उनके देश रवाना किया जाने लगा है और सऊदी ख्वातीन को ड्राइविंग करने की इजाज़त दे दी गई है। ऐसे में हुकूमत ने ऐलान किया है कि बाज़ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर ख्वातीन को जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी, जिस पर हुकूमत गौर खोज कर रही है। हुकूमत सऊदी अरबिया वजारत दाखिला ने कहा है कि ट्रैफिक निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और सड़कों पर सलामती के मियार को बुलंद करने से मुतालिक बहुत जल्द एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाएगी। ख्वातीन की ड्राइविंग के उमूर और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के लाहिया अमल में तरमीम पर बहस की जाएगी। ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जिन पर खातून ड्राइवर को हवालात में बंद करने या गाड़ी कब्जे में लेने की जो सज़ाएँ हैं, ये ख्वातीन के लिए नहीं होंगी, इनसे जुर्माना उसूल किया जाएगा। जबकि सऊदी बाशिंदों ने ख्वातीन को दी जाने वाली इस छूट को मुस्तरद कर दिया है। अब यहाँ ये बात भी बेजाना होगी कि जब से सऊदी अरब में ख्वातीन ने स्टेयरिंग संभालना शुरू किया है, गैर मुल्की बाशिंदों खास तौर पर ड्राइवर्स की नौकरियाँ खतरे में आ गई हैं।